भारत की लोकप्रिय मैट्रिमोनियल साइट शादी.com ने अपनी साइट से फेयरनेस वाला फिल्टर हटाने का फैसला लिया है। इस फिल्टर के जरिए आप अपनी पसंद की स्किन टोन के दूल्हा या दुल्हन को चुन सकते हैं, लेकिन रंगों का भेदभाव करने वाले इस फिल्टर पर लगी तमाम आपत्तियों के बाद अब कंपनी इस फिल्टर को हटा रही है। उधर भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने घोषणा की है कि वो अपने ब्रांड फेयर एंड लवली के नाम से फेयर शब्द हटा रही है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फेयर एंड लवली ब्रांड 1975 से भारतीय बाजार में है। हिंदुस्तान लीवर ने फेयर शब्द को हटाने के पीछे की वजह यह बताई है कि कंपनी हर तरह की त्वचा की देखरेख के लिए प्रोडक्ट बनाती है और वो सुंदरता में भी विविधता में यकीन रखती है, इसलिए फेयर एंड लवली ब्रांड नेम के तहत बिकने वाले प्रोडक्ट से फेयरनेस, व्हाइटनिंग, लाइटनिंग जैसे शब्द हटाए जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया भर में गोरेपन के उत्पादों को लेकर काफी आवाजें उठ रही हैं और ये तब हुआ जब अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने घोषणा की कि वे अपने क्लीन एंड क्लियर ब्रांड के तहत बिकने वाले गोरेपन के प्रोडक्ट्स को भारत और मिडिल ईस्ट में नहीं बेचेगी। कंपनी की इस घोषणा ने कई अखबारों की सुर्खियां बटोरी। ये फैसला कंपनी ने अमेरिका और दुनिया के बाकी हिस्सों में चल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के चलते लिया। ब्लैक लाइव्स मैटर वो आंदोलन है जो अफ्रीकी अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड के पुलिस कस्टडी में मारे जाने के बाद अमेरिका में शुरू हुआ और जिसमें अमेरिका और अन्य देशों में अश्वेतों के साथ होने वाले क्रूर और पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का कहना था कि जब वो काले धब्बे को मिटाने की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये प्रतीत होता है कि सफेद रंग आपके रंग से बेहतर है, लेकिन कंपनी की मंशा ये दिखाने की कभी नहीं रही क्योंकि हर सेहतमंद त्वचा खूबसूरत होती है। इधर भारत में फेयरनेस क्रीम का मार्केट काफी बड़ा है और करीब 5,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें ज्यादातर फेयरनेस क्रीम और ब्लीच का हिस्सा आता है। इसके अलावा गोरेपन का दावा करने वाली फेस वॉश और फेस मास्क का तो एक अलग ही बाजार है। ब्यूटी इंडस्ट्री गोरेपन के प्रति अपने झुकाव को लेकर हमेशा कटघरे में खड़ी हुई है। 2017 में निविया को अफ्रीका में मुंह की खानी पड़ी जब वो वहां के बाजार में एक स्किन लाइटनिंग लोशन लेकर आए। भारत में फेयर एंड लवली का 80% हिस्सा है फेयरनेस क्रीम मार्केट में, लेकिन ये ब्रांड भी काफी सालों से आलोचना का सामना कर रहा है अपने नाम की वजह से, जिसके हिसाब से जो फेयर है यानी जो गोरा है वही लवली है। यहाँ तक कि कई भारतीय सेलिब्रिटीज को भी स्किन लाइटनिंग क्रीम का विज्ञापन करने के लिए लताड़ा गया है। यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 6,000 टन स्किन लाइटनर और धब्बे मिटाने की क्रीम दुनिया भर में बेची गई है। ज्यादातर क्रीम और प्रोडक्ट्स महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये प्रोडक्ट्स पुरुषों के लिए भी तैयार हो रहे हैं। शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने इन क्रीम्स का विज्ञापन भी किया और आलोचना भी सुनी। भारत में देसी कंपनियां जैसे बायोटेक, लोटस और हिमालय भी कई फेयरनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं और धड़ल्ले से उनकी बिक्री भी होती है। अब देखना यह है कि फेयर एंड लवली नाम से फेयर हट जाने के बाद क्या इस ब्रांड की बिक्री में कुछ फर्क आएगा और क्या फेयरनेस प्रोडक्ट्स के बाजार के सबसे बड़े प्लेयर के उठाए गए इस कदम का अनुसरण करके बाकी की कंपनियां भी दूसरे रंग के साथ हो रहे अनफेयर रवैये को ठीक करेंगी।